हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं सचिन कुमार सिंह लेके आ गया हूँ और एक वीडियो। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक यूट्यूब ब्रांड चैनल का बारे में, कैसे ओपन किया जाता है और क्या होता है यूट्यूब ब्रांड चैनल। ओके फ्रेंड्स, तो हम लोग सभी जानते हैं एक पर्सनल यूट्यूब चैनल होता है एक ईमेल आईडी के ऊपर। ओके फ्रेंड्स, आप यदि चाहते हैं एक ब्रांडेड यूट्यूब चैनल बनाना तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हमको जानना है यूट्यूब ब्रांड चैनल होता क्या है और पर्सनल यूट्यूब चैनल क्या होता है। तो सबसे पहले मैं डिक्लेयर कर देता हूँ, फिर पर्सनल यूट्यूब चैनल वो नॉर्मल जैसे बड़े बड़े यूट्यूबर जो चला रहे हैं वो, और ब्रांड चैनल वो है जो बड़े बड़े कंपनी चलाते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ब्रांड चैनल और पर्सनल चैनल में क्या अंतर है मैं इतना बता रहा हूँ। जो बड़ा बड़ा क्रिएटर होता है, बड़ा बड़ा कोई भी पकड़ लीजिए, टी सीरीज हो गया, ओके फ्रेंड्स, और भी जितना भी है, यशराज फिल्म हो गया, वो लोग क्या करते हैं, उस लोग को सब अलग अलग मैनेजर होता है। ओके फ्रेंड्स, चैनल का वो कोई कमेंट सेक्शन हैंडल करता है, मैनेजरिंग कर लेता है, ठीक है। तो इस तरह से सब भाग किया हुआ है, ठीक है, सब अलग अलग अपने ईमेल आईडी से वर्क करते हैं एक ही चैनल पे, ठीक है। तो ये सब किया जाता है ब्रांड यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। तो आप भी कर सकते हैं एक ब्रांड चैनल, जैसे आप कोई इंटरटेनमेंट का है आपका, ठीक है, पकड़िए आप शूट कर दिए, आप चले गए, ठीक, आपका जो भी मैनेजिंग का काम है वो आपका जो बंदा एम्प्लॉय है वो कर लेगा, ठीक है। तो इसके लिए आप एक यूट्यूब ब्रांड चैनल बना सकते हैं, ठीक है। तो एक चैनल पे दो तीन ईमेल आईडी से काम कर सकते हैं, मैनेजर रख सकते थे, कम्युनिटी एडिटर रख सकते हैं, वगैरह वगैरह, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हो गया एक ब्रांड। अब पर्सनल क्या है, पर्सनल वो है जो एक ही ओनर रहता है। ओके फ्रेंड्स, आप खुद की ओनर है, खुद ही मैनेजर है, खुद ही आप हैंडल कर रहे हो, तो आपको पर्सनल अकाउंट है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। ये और रहा बात आप ब्रांड चैनल कैसे ओपन करेंगे, तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम देखते हैं कैसे आप एक यूट्यूब ब्रांड चैनल बना सकते हैं। फ्रेंड्स, ब्रांडेड एक चैनल का नाम पे ईमेल आईडी, ये नहीं जो अलग सा नाम ईमेल आईडी, इससे क्या होगा, थोड़ा बूस्ट मिलेगा एल्गोरिदम यूट्यूब का हिसाब से, होगा फ्रेंड्स। तो ये चीज़ तो बहुत ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स, उसका बाद क्या करना है, वही ईमेल आईडी से आपको चैनल खोलना है। आप ब्रांडेड चैनल खोलिएगा तो मैं आपको बता रहा हूँ कैसे खोलना है, उसके लिए आपको एक ईमेल लगेगा। होगा फ्रेंड्स, ईमेल आईडी कैसे खोलते हैं, आई बटन में लिंक दे, जाके देख लीजिए। ओके फ्रेंड्स, तो अब मैं आपको बताता हूँ कैसे यूट्यूब ब्रांड चैनल खोला जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो मैं सिर्फ इतना बताऊंगा यूट्यूब ब्रांड चैनल कैसे खोला जाता है, उस चैनल को वेरीफाइड किया जाता है नया चैनल को। ओके फ्रेंड्स, वेरीफाइड कैसे किया जाता है उसका भी लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा, आप जाके चेक कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, वेरीफाइड करने के बाद क्या क्या फीचर है वो भी एक वीडियो बना हुआ पहले से ही, तो मैं आई बटन में दे दिया हूँ लिंक, जाके वहाँ पे चेक कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं, कैसे आप ब्रांडेड यूट्यूब चैनल बना सकते हैं फ़ोन से। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउजर पे जाना है, साइन इन कर लेना है आपको ईमेल आईडी से। उसके बाद आपको गूगल में जाना है, गूगल में जाके यूट्यूब सिंपल से आप सर्च कीजिए। ओके फ्रेंड्स, यूट्यूब सर्च कीजिए, यूट्यूब सर्च करने के बाद कुछ इस तरह से आएगा, तो फ्रंट ऊपर जो है लिंक उस पर कीजिए। ओके फ्रेंड्स, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूँ, वहाँ पर आप डायरेक्ट क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो जैसे ही आपका नया टैब ओपन होता है, ओके फ्रेंड्स, तो आप यहाँ ऐसा आएगा तो आपको क्रोम पे क्लिक कर देना है, सेट एज डिफ़ॉल्ट पे। ओके फ्रेंड्स, करने के बाद फ्रेंड्स आपका कुछ इस तरह से आ जाएगा। आप डेस्कटॉप मोड पे कर लीजिए, यहाँ पे देखिए क्रिएट ए चैनल है, उस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए जो आपका ईमेल आईडी है उस पर आ जाएगा। यदि आप ब्रांड खोलना चाहते हैं तो देख यूज ए बिजनेस और अदर्स में आपको क्लिक कर देना है। ओके फ्रेंड्स, तो क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से आएगा। अभी यहाँ पे देख ले, टू क्रिएट ए न्यू चैनल, क्रिएट ए ब्रांड अकाउंट। ओके फ्रेंड्स, तो ये आपका ब्रांड अकाउंट होने वाला है। तो यहाँ पे जो आप नाम सोच के रखे चैनल का वो यहाँ पे आपको लिखना है। ओके, मैं एक बात बता रहा हूँ, सबसे पहले आप यूट्यूब में सर्च करके देख लीजिएगा ऐसा कोई चैनल है कि नहीं। ओके फ्रेंड्स, आपका वही नेम से जो आप सोचे हैं तभी आप वो चैनल पे वही चैनल ओपन कीजिए। ओके फ्रेंड्स, यूनिक नेम होना चाहिए जो कि दूसरा चैनल हो ना वैसा। ओके फ्रेंड्स, अब मैं वो नाम दे देता हूँ चैनल का, तो मैं दे रहा प्रिया म्यूजिक। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद क्रिएट पे क्लिक कर देता हूँ, तो ये मेरा चैनल क्रिएट हो चुका है। ओके फ्रेंड्स, अब ये
बस ये न्यू टैब ओपन हो गया, तो ये कुछ इस तरह से डायरेक्ट स्टूडियो पे ये चला जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो देख लीजिए कुछ इस तरीका से। उसके बाद आपको क्या करना है, अब नया चैनल में ये चैनल वेरीफाइड किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, आर्ट लगाया जाता है, चैनल लोगो लगाया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स, ये सब किया जाता है, वेरीफाइड किया जाता है। उसके बाद फ्रेंड्स आप एक वीडियो अपलोड कर दीजिए, टैग लगाया जाता है, चैनल टैग लगाया जाता है, मैं सब बताने वाला हूँ, लेकिन इस वीडियो में नहीं, नेक्स्ट। आप कमेंट कीजिए। ओके फ्रेंड्स, यदि आपको दूसरा ओनरशिप कैसे क्या डिवाइड किया जाता है ब्रांड एंड चैनल पे, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आप कमेंट करके मुझे बताइए वीडियो चाहिए या नहीं। ओके फ्रेंड्स, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, नहीं तो इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कीजिए, वहाँ पर मैसेज डायरेक्ट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए भी इतना ही, फिर कल नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।